कांग्रेस के द्वारा जब भी देखो तब महिलाओं का अपमान किया जाता है। एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका, पूरी योजना के अंतर्गत लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी हैं वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज़ से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज़ जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए, ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। और इसलिए प्रेम जो पहले हुआ करता था वो समर्पण का नाम प्रेम माना जाता है। हम सन्यासी एक बात कहा करते हैं और वास्तव में हमारा जीवन इस प्रकार का होता है कि जब हम प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं और हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसे कहते हैं प्रेम और समर्पण। और हम पूरी जिंदगी अपनी प्रभु के लिए समर्पित करके और धर्म कार्य में लगा देते हैं, ईश्वर के संदेश को विस्तार करने में लगा देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये प्रेम की परिभाषा लव कर दिया है और लव के बाद इसमें जिहाद जोड़ दिया गया है, निश्चित रूप से ये पाप है, दुराचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है। और इस तरह का समर्थन करने वाले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस प्रकार से इसके पक्ष में बयान दिया है, उस लड़की को का अपमान किया है जो मर गई है। और एक लव जिहाद का उदाहरण देखिए कि एक को हॉस्पिटल यूपी में हॉस्पिटल से नीचे फेंक दिया जाता है, किसी के घर में जाके उसको मार दिया जाता है, किसी के घर वालों को मार दिया जाता है, लड़कियों का अपहरण करके उनको तमाम प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, विवाह कर लेता है, बेच दिया जाता है, विवाह कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और विवाह करके उनके साथ क्रूरतम जो अत्याचार है वो किए जाते हैं। जो बच जाती हैं, भाग आती हैं, वो तो बच जाती हैं और जिंदगी भर रोती हैं, लेकिन जो नहीं बच पाती वो अपने 35 टुकड़े और 37 टुकड़े और 100 टुकड़े करवा लेती हैं। और इस प्रकार से हमारे देश की जो बालिका जो पूजी जाती है और उस बालिका का भविष्य खतरे में है, इसलिए हमें इस ओर जागृत होना चाहिए, लव जिहाद को मुंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।